तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज वीवीए प्रोग्रामिंग की कोड कंसेप्ट पे। जैसे कि मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था कि जब भी हम कोई कोड लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए जब भी आपका कोई एल्गोरिथम कहता है कोई क्रिएट ए वर्क बुक, ओपन ए वर्क बुक, सेव ए वर्क बुक, सेलेक्ट द डेटा, कॉपी द डेटा, तो इस तरह के जो हमारे एल्गोरिथम होते हैं तो उसमें हम कोड कहाँ से स्टार्ट करें। तो हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारे पास इसके लिए कोड है, जिससे हम चार ऐसे वर्ड है जिससे कोड स्टार्ट करते हैं, जैसे एप्लीकेशन, दूसरा हमारा वर्कबुक, वर्कबुक से मार दीजिएगा, और तीसरा हमारा है सेल्स, और चौथा रेल। जैसे कि एक्सेल, जैसे कि इंग्लिश में आप पढ़ते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच होता है ना, कि पहले आपका नाउन आएगा, देन प्रोनाउन आएगा, एडवर्ब आएगा, वर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा एक सेंटेंस में। तो सेम तरीके से जब हम कोई कमांड देते हैं वीवीए को, कोई भी कमांड देते हैं, किसी ऐसे काम करने की बोलते हैं, तो उसको एक देना होता है, मतलब कि एक सेंटेंस की तरह देना होता है ताकि वो समझ सके। समझ गए? हाँ सर, तो वही चलिए आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। एप्लीकेशन, वर्कबुक, शीट एंड रेंज। तो हम वर्कबुक के बारे में पहले पढ़ते हैं कि वर्कबुक में हम क्या क्या कर सर, सकते हैं। एप्लीकेशंस में क्या क्या आते हैं सर? एप्लीकेशन थोड़ा सा एडवांस है, तो पहले हम बेसिक सीख ले, फिर एप्लीकेशन पे जाएंगे। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्कबुक की। तो वर्कबुक, workbooks.app, इसका मतलब हुआ कि कंट्रोल एन करके, जब भी हम कंट्रोल एन करते हैं तो कंट्रोल एन हुआ है। सर सचिन जी पीछे से साउंड काफी का शोर आ रहा है। तो कंट्रोल एन, जैसे कि नई वर्कबुक जो है, और नई वर्कबुक यहाँ पे देगा कंट्रोल एन, तो एक क्रिएट है नई वर्कबुक, जब जहां पे हमें करना हुआ वहां पे हम ये इस्तेमाल करेंगे। सर कंट्रोल एन जब करते हैं तो कोई एक्सेल फाइल खुली हो तभी वो फाइल खोल के देता है हमें, यदि फाइल खुली जैसे कि हो तब मान, जैसे कि मान लीजिए ना कि आपने एक प्रोग्राम लिखा, और प्रोग्राम में क्या करना है कि डेटा को सिलेक्ट करके नई फाइल के अंदर जाके कॉपी पेस्ट करना है। अच्छा, तो आपने जैसे कोड, जैसे कि आप कोड लिखा है कि सिलेक्ट द डेटा, देन कॉपी, सिलेक्शन डॉट कॉपी, उसके बाद आपने वर्कबुक खोलने की जरूरत तो पड़ेगी। नहीं, मैं चाहता हूँ कि है ना सीधे डायरेक्ट वर्कबुक क्रिएट करें किसी पाथ पे जाके, देन वो ऐड हो जाए वहां पे, हाँ तो ऐसा पॉसिबल? यही तो करेगा कंट्रोल एन करेगा, या मतलब कि नया वर्कबुक ऑटोमेटिकली खोल देगा क्रिएट। तो नया वर्कबुक तो तब खुलेगा जब कोई एक्सेल की फाइल पहले बैकएंड में खुली हो। हाँ वो तो होनी चाहिए ना, जब ये माइक्रो वर्क रन करने के लिए तो आप फाइल खोलोगे ना कोई। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हम जाके फाइल क्रिएट कर सके डायरेक्ट इस नाम से? तो मैंने आपको क्या बता रहा हूँ कि जब आप मैक्रो, जब भी आप रन करोगे तो रन करने के लिए एक एक्सेल फाइल तो खुली होगी ना। चल हाँ, समझ गया। ठीक तो है, नया वर्कबुक अगर कमांड करता है क्रिएट ए न्यू वर्कबुक, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, लेकिन जब ठीक भी है। हम वर्कबुक क्रिएट करते हैं उसको सेव भी तो करना पड़ेगा। हाँ तो ऐसे सिस्टम कहता है कि सेव करने का कुछ इस तरह का कोड होता है कि वर्कबुक्स ब्रैकेट में किस बुक को सेव करना है, बुक वन डॉट एक्सएलएस एम है जो भी है, एक्सएलएस एस है जो भी है, डॉट तो सर यहाँ सेव पे सेव, आप देखते जाइए, सुनते जाइए, देखते जाइए, एक मेरे की ई ड्राइव में 2016 फोल्डर के अंदर 123.xlsx।
तो सिस्टम कहता है कि सेव करने का ये है कि ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपकी ऑब्जेक्ट डिटेल, ये हो गया आपका एक्शन, ये हो गया आपका एक्शन डिटेल। तो चार स्टेप होते हैं कोड के। एक चल ये पूरा सेंटेंस बना, एक कमांड सेंटेंस बना वीवी लैंग्वेज में, अगर इंग्लिश के साथ हम कंपेयर करें तो, कि वर्कबुक में किस वर्कबुक को क्या करना है और कहां करना है। तो वीवी की पूरी रिक्वायरमेंट फुल हो रही है, तो कोड कुछ इस तरह से लिखते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब हम वर्कबुक ऐड किए और उसी वर्कबुक को सेव करना है, राइट, तो हम ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बुक वन ही होगा, कुछ भी हो सकता है, बुक टू, बुक थ्री, बुक फोर, बुक फाइव। तो वहां पे एक कोड मेरा परफॉर्म नहीं करेगा। अगर मान लीजिए एक बार बुक वन हुआ तो एक बार चल जाएगा, फिर अगेन टाइम नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार बुक वन होने के बाद दूसरा वाला बुक टू ही देगा। क्या सचिन जी? हाँ, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम अपनी एक्सेल की स्किल्स अपनाएंगे कि जब भी हम कंट्रोल एन करते हैं, नया वर्कबुक खोलते हैं, तो जो वर्कबुक खुलता है, बुक टू खुला, वही एक्टिवेट है, एक्टिवेट रह रही है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम वर्कबुक की फैसिलिटी को एक्टिव वर्कबुक से भी कॉल किया जा सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे कोड बन जाएगा एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव है, जो भी है आपका। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको कोड डिफाइन करना है। जैसे कि आप इंग्लिश बोलते हो तो उस समय सिचुएशन के हिसाब से बोलते हो ना, कि क्या सर? हाँ सर, समझ गया मैं। कई सारे कमांड के अलग अलग मीनिंग होते हैं अलग अलग सिचुएशन। कब कौन सी वर्ब लगनी है, कब कौन सा सेंटेंस लिखना है, वो समझ गया। तो उसके अकॉर्डिंग ये भी आपकी कब एक्टिव वर्कबुक कब लगना है और ये वर्कबुक का मेथड कब लगना है, ठीक है। या फिर आप जो है, जैसे कि मैंने आपको कल वर्कशीट में बताया था ना कि हम डायरेक्ट एड नेम रिनेम करके कर रहे हैं, इस तरह से डायरेक्ट एड हम सेव एज करके ही कर सकते हैं। हाँ, तो सर ये इसमें नाम नहीं लिखा ना, 1 2 3 उसका नाम हो गया। हाँ, ये पाथ हमने पाथ हो गया, समझ गया। इसके अलावा जैसे कि आप सेव एज करते हैं, पासवर्ड डालना चाहते हैं, तो स्पेस मारिए, यहाँ पे इसके सारे इसके कंसेप्ट है, जो डालना है कॉमा 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 करके उस पे आप चले जाइए, वो हाईलाइट हो जाएगा, आप डाल दीजिए। जैसे पासवर्ड डालना तो आपने 1 2 3 डाल दिया या 1 2 पासवर्ड डाल दिया। सर ये फाइल प्रोटेक्शन पासवर्ड होगा या ओपन पासवर्ड होगा? ओपनिंग पासवर्ड होगा। हम जब पासवर्ड आप जब आप फाइल को सेव एज करते हैं तो जनरल ऑप्शन नहीं आता है। अच्छा, समझ गया, वो जनरल ऑप्शन में जाके वो ओपन पासवर्ड वाला ऑप्शन, राइट, समझ में आ गया आपको। वो आप फाइल को क्रिएट करना सीख गए और फाइल को सेव करना, सेव एज करना सीख गए, ठीक है। तो अगर आप नई फाइल है तो एक्टिव वर्कबुक के अकॉर्डिंग कर सकते हो, या फिर वर्कबुक ऐड करते समय ही कर सकते हो, या किसी पर्टिकुलर फाइल को सेव एज करना है तो उसको भी इस मेथड से कर सकते हो, ठीक है। और जब कंफ्यूजन होगा, अगर समझ में ना आए, तो आप रिकॉर्ड कर लेना और रिकॉर्ड करके उसकी कोड को देख लेना। आस, आस, ठीक है। अब बात करते हैं, जब वर्कबुक को ओपन सेव कर लिए, लेकिन मान लीजिए कि सेव एज हुआ ना, मुझे जस्ट सेव करना है, कंट्रोल एस, तो उसके लिए आपको ये लेना होगा। लेकिन ध्यान है कि फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड होनी चाहिए, मतलब कि कहीं ना कहीं सेव्ड होनी चाहिए, अगर नहीं है तो सेव एज को ट्रांसफर कर देगा, फिर सेव एज वाला विंडो आके आ जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। और यहाँ भी आप एक्टिव वर्कबुक लिखे या वर्कबुक लिखे, वो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रहता है। मैं ये देख रहा था, आपने ना जब ऊपर क्रिएट करी है फाइल वर्कबुक्स लिखा है, जब आपने एक्टिव वर्कबुक लिखा है, तो इन दोनों में अंतर क्या है, एस और एस लगाने में? अब जैसे कि सिंगुलर प्लुरल समझ लीजिए कि एक वर्कबुक्स में तो कई कई, मतलब कि एक पर्टिकुलर वर्कबुक डिफाइन नहीं है, एक्टिव वर्कबुक में एक पर्टिकुलर वर्कबुक डिफाइन है। अच्छा सर, ठीक है, जो अभी एक्टिव है हमारे पैकेट में। हाँ, वो एक ही फाइल एक्टिव है ना।
अब बात करते हैं वर्कबुक को ओपन करने की, वर्कबुक को ओपन करने की, तो वर्कबुक्स डॉट ओपन, और फिर किस वर्कबुक को ओपन करना है उसका कंप्लीट पाथ यहां आप डालोगे। अगर उस वर्कबुक में कोई पासवर्ड स्क्रिप्ट हुआ या रीड ओनली पे क्लिक करना है या आपको उसके लिंक को ब्रेक करना है, तो ये सारी कंडीशंस आप देख रहे हैं। यदि सर पाथ में यदि मेरे पास पर्स फाइल लगी है फॉर एग्जांपल और पासवर्ड है, तो मे बी पॉसिबल कि ये पासवर्ड से खुल सकती है विदाउट एनी एन्क्रिप्शन? नहीं, पासवर्ड नहीं समझे आपको कि आप जिस फाइल को ओपन कर रहे हो, क्योंकि ओपन तो आप वन बाय वन ही करोगे, एक बार पांचों फाइल को ओपन नहीं करेगा। नहीं, वन बाय वन ही चले, मगर वो अगर पासवर्ड अगर सेम है पांचों में तो सेम ओपन करेगा। तो सिंपल सी बात है जो नॉर्मल आप करते हो, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि एक स्विच से पांच बल्ब कनेक्टेड है तो स्विच ऑन होने पे पांचों चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। तो ये होगा। अब यहाँ पे एक चीज पूछने वाली बात ये हुआ कि हमने इसके पहले बताया कि दैट इज ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट डिटेल, यहाँ पे एक्शन और एक्शन डिटेल, जिससे हमारा एक वीवीए सेंटेंस पूरा हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे ओनली फॉर ऑब्जेक्ट एक्शन एंड एक्शन डिटेल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिटेल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिटेल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिटेल नहीं हो सकती, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओपन हो रही है। हाँ ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट डिटेल हम तभी डालेंगे जब ऑब्जेक्ट वो लाइब्रेरी में होगा, ऑफिस की लाइब्रेरी में होगा। ऑफिस के लाइब्रेरी में कब होगा? जब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 123 एक्सेलेंस है, ऑब्जेक्ट है जो कि ओपन नहीं है, इस सिस्टम पे पड़ी हुई है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिटेल डालना नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि है ही नहीं, हाँ। ठीक है, तो वर्कबुक डॉट ओपन हमने किया, तो हमने फाइल को सेव क्रिएट करना, सेव करना, सेव एज करना, ओपन करना सीखा। अब बात करते हैं क्लोज करना। जैसे कि मुझे वर्कबुक को क्लोज कर, इस वर्कबुक को क्लोज करना है तो यहां पे लिखेंगे डॉट क्लोज। लेकिन जब भी हम कोई पर्टिकुलर फाइल को क्लोज करते हैं तो मुझसे एक पूछता है कि डू वांट टू सेव चेंज, तो सेव करना होगा तो यस पे या नो पे करना। तो क्लोज करते समय इस चीज का ध्यान रखना कि यहां पे आप ट्रू या फॉल्स डालोगे। ट्रू किस केस में? आपको सेव करना है, और फॉल्स किस केस में? और आपको सेव एज कर, मतलब कि सेव नहीं करना है। अगर ये चीज फीचर्स नहीं डालते हो तो आपका माइक्रो रुक जाएगा जब तक कि आपने सेव या डोंट सेव पे क्लिक नहीं करते, इसको माइक्रो ब्रेकर भी कहते हैं, ब्रेक मोड में डाल देता है माइक्रो को जब तक कि आपकी उस एक्शन को कंप्लीट ना होता है। हमने वर्कबुक क्लोज करना सीख लिया, तो हम लोग क्या करते हैं फाइल में? फाइल को क्रिएट करते हैं, फाइल को सेव एज करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं, फाइल को क्लोज करते हैं, और क्या करते हैं? अब करते हैं, अब इसमें जैसे एक्टिव वर्कबुक भी डाल सकते हैं, एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज, तो वो अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपना इस्तेमाल करना। अब मान लीजिए कि मुझे एक्टिव वर्कबुक में पासवर्ड डालना है, मान लीजिए चलिए हम सेव एज करते हैं, पासवर्ड ना डालें, तो एक तो होता है प्रोटेक्ट। अगर आपने प्रोटेक्ट किया और पासवर्ड डाल दिया तो ये क्या करेगा कि आपकी रिव्यू के अंदर में जो प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है ये डालेगा, मतलब कि वर्कबुक के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करेगा जिससे आप इसके अंदर पासवर्ड उस पर नहीं डाल सकते। दूसरा डॉट पासवर्ड, ये आपकी ओपनिंग पासवर्ड, मतलब कि ये क्या करेगा कि फाइल के अंदर में इन्फो के अंदर में जो प्रोटेक्ट वर्कबुक में जो एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड होता है इसका यूज करेगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर सर। अब यहां पे एक चीज पूछने वाली बात होती है कि
यहाँ पे इक्वल डाला है, यहाँ पे स्पेस डाला है, व्हाई? इसलिए मैंने, जैसे कि मैंने बताया आपको कि सेंटेंस में ये हमारा ऑब्जेक्ट, डॉट से पहले ऑब्जेक्ट होता है, डॉट के बाद एक्शन होता है, ठीक है? ये तो हमारा आम बोलचाल की भाषा हुई, लेकिन अगर हम VBA प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बात करें तो दिस इज द मेंबर, दिस इज द ऑब्जेक्ट और दिस इज द मेंबर। तो मेंबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मेथड एंड प्रॉपर्टीज। तो प्रोटेक्ट इज द मेथड, जो मेथड होते हैं वहां पे स्पेस लगता है, और जो प्रॉपर्टी होता है वहां पे इक्वल होता है। तो अपन प्रॉपर्टी वाला पासवर्ड लगा रहे थे नीचे वाले में, ऊपर लगा रहे मेथड वाले। हाँ नहीं, मतलब ये मेथड, मतलब कि प्रोटेक्ट जो है मेथड कैटेगरी का मेंबर है, और पासवर्ड जो है प्रॉपर्टी कैटेगरी का मेंबर है। तो प्रॉपर्टी कैटेगरी के मेंबर को इक्वल लगता है, जैसे होता है ना एसटी को कम मिलेगा और जनरल को, एसटी को मतलब कि कम नंबर पे भी एडमिशन हो जाएगा और जनरल को ज्यादा नंबर पे से हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे समझिए कि एग्जीबिशन दे रखा है, ठीक है? तो यहाँ पे हाउ कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा मेथड है और कौन सा प्रॉपर्टीज है? उसके दो तरीके हैं कि जब लगाने के बाद स्पेस मारोगे तो यहां पे एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, और यहां पे नहीं आएगा एक्सप्रेशन। दूसरा, जैसे आप डॉट लेके उसको सिलेक्ट करते हो तो यहां पे जो ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है ना, इट मींस मेथड। और जो हैंड का निशान बन के आ रहा है वहां पर, देखिए ना, ये हैंड का निशान है, प्रॉपर्टी का सिंबल है, तो ये प्रॉपर्टी है। दो तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आपने फाइल को ओपन करना सीख लिया, फाइल को क्लोज करना सीख लिया, फाइल को सेव एज करना सीख लिया, फाइल्स को क्रिएट करना, प्रोटेक्ट करना और पासवर्ड डालना। तो जनरली हम एक्सेल वर्कबुक में इतना ही करते हैं, या कुछ और भी करते हैं आप लोग, इतना ही करते हैं ना फाइल के साथ, इतना ही करते हैं। और शीट पे मैंने बता ही दिया था कि हाउ कैन इंसर्ट द शीट, डिलीट द शीट, शीट के बारे में बता रखा था। तो अभी आप लोग इन दोनों की नॉलेज से एक प्रोजेक्ट का, एक प्रोजेक्ट आप लोग करें। प्रोजेक्ट ये है कि मेरे पास, मुझे क्या है कि मेरा सॉफ्टवेयर है उसमें से डेटा डाउनलोड करना पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि डेटा जो है, नया डेटा मैंने कि एक्सेल फाइल नहीं क्रिएट कर सकता, मतलब एक्सेल एमएस ऑफिस को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है? लेकिन एक्सेल फाइल का हम पाथ दे देंगे तो उस पाथ में जाके वो डेटा को डाल सकता है। जैसे आज का डेटा मुझे डाउनलोड करना है तो मैं क्या करता हूँ कि आज की डेट की एक फाइल क्रिएट करता हूँ, ब्लैंक फाइल, फिर सॉफ्टवेयर में जाके उसका पाथ देता हूं तो उस ब्लैंक फाइल में वो डेटा को लेके कॉपी पेस्ट कर देता है, ठीक है? तो मुझे क्या करना है कि इस साल के 12 मतलब कि 365 दिन का, मतलब 2016 के 365 दिन का मुझे फाइल डाउनलोड करना है। सर कहां से करने है? अपने पास से, अपने सर्वर से? हाँ, अपने सर्वर से। तो मुझे यहाँ भी क्या हुआ कि 365 फाइल क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है, हर साल मुझे ऐसा करना पड़ता है, ठीक है? तो आप क्या चाहते हो, एक ऐसा मैक्रो बनाओ जो कि 365 डेट के हिसाब से हर दिन का फाइल क्रिएट कर दे एक पर्टिकुलर फोल्डर में, ब्लैंक फाइल। और डेवाइस डेवाइस करे, चेंज हो तभी होता है, डेट वाइज होना चाहिए सर, डेट वाइज। मतलब कि आज जो है 23 तारीख, एंड कल 24 लगे तो एक फाइल ऑटोमेटिक उस फोल्डर में जाके क्रिएट हो जाए। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं आप। हाँ सर, हो जाएगा। हाँ, तो मुझे करके भेजिए, फिर कल हम आपके साथ रेंज के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक चीज और, आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ कि मुझे 2016 का ये करना है, डेटा डाउनलोड करना है, और मुझे 365 फाइल बनानी है, और मुझे ये काम बराबर करने पड़ते हैं। अच्छा, एक्सेल की ना सर? हाँ, एक्सेल की। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मुझे 365 फाइल ना बनाना पड़े, 365 फाइल डेट वाइज होता है, जैसे 1 जनवरी 2016, 2 जनवरी 2016, 3 जनवरी 2016, ऐसे
31 जनवरी 2016 तक मुझे फाइल बना के और नाम डालने पड़ जाते हैं, तो आप कुछ ऐसा करें तो मुझे डालने की नाम डालने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम।